स्टेज रू जो है पूरी संपूर्ण फिल्म लगी। एक मासिस की फिल्म है विद ए टच ऑफ क्लास, उसमें स्पेशल इफेक्ट देखो, एडिटिंग देखो, म्यूजिक देखो, डायरेक्शन देखो, राइटिंग देखो, परफॉर्मेंस देखो, सब चीज़ें अच्छी हैं उसके अंदर। अभी हम लोग 27 सितंबर को ताल 2 रिलीज़ कर रहे हैं, री रिलीज़, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम ऑडियंस आए और देखे कि बड़ी स्क्रीन का क्या मतलब है और सुभाष जी ने इस सिनेमा को और इस फिल्म को ताल को किस तरह से बड़ी स्क्रीन के हिसाब से पिक्चराइज किया है। फॉरेन टेक्नोलॉजी को अपना तो लेते हैं लेकिन फॉरेन कंटेंट को भी साथ साथ अपनाना शुरू करते हैं। तो 3 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें पैनल डिस्कशंस, मास्टर क्लासेस, तो एक उनको एक फील आता है बाहर के बच्चों को कि भी सिनेमा के अंदर इतना पढ़ाई करना, एजुकेशन करना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वर्क हार्ड, हैव पेशेंस एंड बिलीव इन योर टैलेंट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बजूका, और आज बहुत ही खुशी का दिन है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उन्हें आपसे इंट्रोड्यूस करने के लिए। जी हाँ, आज हमारे साथ सुभाष घाई सर हैं। सर कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ। आपको देख के मतलब बहुत लोगों का चेहरा खिल जाता है, आपकी फिल्में याद आ जाती हैं। थैंक यू सर। सेलिब्रेट सिनेमा, इसके बारे में हमें कुछ जानना है आपसे, कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है इस डिस्कशन से जो आप लोग करने वाले हैं। विस्लिंगवुड में जो सेलिब्रेट सिनेमा फेस्टिवल होता है वो 2012 से हो रहा है वो 2012 से है, और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि बाहर के स्टूडेंट्स भी आए, जो विस्लिंगवुड के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन बाहर से बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आते हैं उस फेस्टिवल में, और यहाँ पर हमारी 50-60 वर्कशॉप चलती हैं जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूज़िक, एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट, सब तरह के कोर्सेज चलते हैं। तो 3 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें पैनल डिस्कशंस, मास्टर क्लासेस, तो एक उनको एक फील आता है बाहर के बच्चों को कि भी सिनेमा के अंदर इतना पढ़ाई करना, एजुकेशन करना ज़रूरी है। आज कुछ भी चीज़ एजुकेशन के बिना आगे जाके निरर्थक है। इसी तो ये 3-4 दिन जो हैं हम लोग पूरी पब्लिक के लिए खोल देते हैं कि जहाँ पर आप पूरी इंडस्ट्री को मिलो, उनको जानो, उनके एक्सपीरियंस समझो। तो सेलिब्रेट सिनेमा का मतलब ये है कि सेलिब्रेट सिनेमा एजुकेशन, आई वुड से, यू नो। इसलिए मुझे गर्व है कि ये बहुत सक्सेसफुल रहा है हमेशा। सर आप काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारे बदलाव आपने देखे हैं, लेकिन एक ऐसा बदलाव जो अभी तक इस इंडस्ट्री में नहीं हुआ है वो क्या है? इसी इंडस्ट्री में जो बदलाव नहीं होना चाहिए वो ये है कि भारतीयता रहनी चाहिए। जो बदलाव होना चाहिए वो ये है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम अपने भारतीय कॉन्टेंट को कैसे बताएं। इसी क्या होता है कि हम फॉरेन टेक्नोलॉजी को अपना तो लेते हैं लेकिन फॉरेन कंटेंट को भी साथ साथ अपनाना शुरू करते हैं। इसलिए हम बाहर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और अपनी कहानियाँ, जो हमारी सांस्कृतिक कहानियाँ हैं, भारतीय कहानियाँ, उनको बताएं, ये आवश्यकता है। बहुत सारी सर फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, जैसे अभी स्त्री 2 की हम बात कर रहे थे, सर आपको कैसी लगी थी वो फिल्म? मुझे स्त्री 2 जो है पूरी संपूर्ण फिल्म लगी। एक मासिस की फिल्म है विद ए टच ऑफ क्लास, उसमें स्पेशल इफेक्ट देखो, एडिटिंग देखो, म्यूजिक देखो, डायरेक्शन देखो, राइटिंग देखो, परफॉर्मेंस देखो, सब चीज़ें अच्छी हैं उसके अंदर। और आज उस हॉल में बैठे हुए लोग 6 साल से लेकर 80 साल तक के भी लोग हैं, परिवार पूरा देख रहा है। इट इज़ ए मास फिल्म एंड इट्स अ वेरी एंटरटेन फिल्म एंड इट्स अ कम्प्लीट फिल्म। सर बहुत सारी फिल्में अब एक वो हो गया है कि री रिलीज फिल्में हो रही हैं, तो हम आपकी कौन सी फिल्म देख सकते हैं जो री रिलीज फिर से हो और फिर से एक बार ऑडियंस के दिलों पर वो छा जाए? जनता की डिमांड के और सिनेमा हॉल की डिमांड से अभी हम लोग 27 सितंबर को ताल 2 रिलीज़ कर रहे हैं, री रिलीज़। तो ऑल इंडिया पे रिलीज़ होगी ताल 2 बड़ी स्क्रीन पर। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों ने छोटी स्क्रीन पर देखा हुआ है, लेकिन इसको फिल्म को बड़ी स्क्रीन में देखने का ही मज़ा है क्योंकि ये पूरी फिल्म और इसका म्यूज़िक जो है बड़ी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो आज से 25 साल पहले दिखाया गया। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम ऑडियंस आए और देखे कि बड़ी स्क्रीन का क्या मतलब है और सुभाष जी ने इस सिनेमा को और इस फिल्म को ताल को किस तरह से बड़ी स्क्रीन के हिसाब से पिक्चराइज किया है।
एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे विल लव इट, दे विल डेफिनेटली लव इट मोर व्हाट दे हैव सीन। लास्टली सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वर्क हार्ड, हैव पेशेंस एंड बिलीव इन योर टैलेंट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए।